दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें कोई ना कोई बड़े व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आता हूं, उनकी प्रोफेशन को, उनकी जीवनी को कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट के लिए और एक आम जनता के लिए भी ये सब कुछ समझना आसान हो जाता है। मुझे जितनी भी फीडबैक मिल रही है बहुत ही इंकरेजिंग है। दोस्तों, मैं एक शुक्रिया अदा भी करता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला वाली मेरी पोस्ट को 2 लाख व्यूअर हो गए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और शहनवाज गिल वाली पोस्ट को भी मेरी ऑलमोस्ट 55-60 हज़ार लोग, 60 हज़ार लोगों ने करीब करीब टच कर लिया, व्यू कर लिया। दोस्तों, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहा, बहुत सारे वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग लेटेस्ट न्यूज आपके सामने लेके आता रहूंगा। दोस्तों, मैं अभी इसी श्रृंखला में आपके सामने लता मंगेशकर और नेहा कक्कड़, दोनों एक अच्छी गायक हैं, और वो गायक की कुंडली कैसे हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं जो गायक बनते हैं, और लता मंगेशकर दुनिया भर में बहुत नाम कमाया है, तो ऐसा क्या हॉरोस्कोप में छुपा हुआ है, मैं सब आपके सामने शेयर करने आया हूं। दोस्तों, मिथुन लगन की कुंडली है लता मंगेशकर जी की, 28 सितंबर 1929 का डेट ऑफ बर्थ है, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। मैं बहुत बार इवन नीता अंबानी जी की कुंडली जब मैंने हॉरोस्कोप बनाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन ये रंक से राजा बनने का कॉम्बिनेशन है, और वो अपनी फील्ड में उनका इकलौता साम्राज्य कहूंगा। लता मंगेशकर से ऊपर पूरे विश्व में कोई गायक नहीं है, बहुत ही मधुर आवाज है। आज उनके हॉरोस्कोप में उनके इस कॉम्बिनेशन, उनकी जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लगन का लॉर्ड 4th हाउस में अपने ही घर बैठा हुआ, उचका होके मरकरी, नेम फेम का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, पंच महापुरुष योग यानी भद्र योग की, या भद्र नाम के योग की यहाँ पर पंच महापुरुष योग की संरचना हो रही है। दोस्तों, साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है जो नेम फेम का कारक है, क्या जबरदस्त है। अब इस लगन के लॉर्ड की 4th हाउस से 2nd हाउस का क्या कनेक्शन दिखता है वो भी बताता हूँ। देखने को तो 2nd हाउस में मून बैठा हुआ है, मून इटसेल्फ का 2nd हाउस में अच्छी अवस्था में बैठना बहुत मधुर आवाज देता है, पर यहाँ एक गेम आगे चली हुई है। मून बैठा हुआ है मरकरी के नक्षत्र में, मरकरी पंच महापुरुष योग में संलग्न है, तो अब ये सूर्य और मरकरी का कंजंक्शन 10th हाउस को देख रहा है, तो 10th हाउस का बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। और बड़ी बात बताता हूँ, 10th लॉर्ड 12th में जाके इस मरकरी और सूर्य को देख रहा है, यानी इस नेम फेम को बहुत बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, जो उन्होंने इतना बड़ा नेम फेम कमाया असाधारण, उसमें कुछ ना कुछ असाधारण हॉरोस्कोप होना ही चाहिए। दोस्तों, वीनस इनका 3rd हाउस है, जैसे 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd से 2nd भी गायिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ 2nd हाउस में मून बैठा था मरकरी के नक्षत्र में, 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ है, और बहुत अच्छा वीनस प्लेस्ड है 3rd हाउस में, और मैं कहूंगा कि ये इस जन्म पत्री की बहुत बड़ी शान है, क्योंकि 2 लगातार घरों में, शुभ घरों में, जो कि गायकी से कनेक्टेड घर है, बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब इस जुपिटर की बात करता हूं, जुपिटर वीनस के घर बैठा हुआ है, वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, आपस में बहुत अच्छी केंद्र की पोजीशन में बैठे हैं दोनों प्लैनेट। ये जुपिटर मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, पंचम भाव भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ा कलाकार बनने के लिए। तो जुपिटर मंगल के घर बैठा हुआ है, मंगल इस घर, इस कुंडली में लाभेश होकर पंचम भाव में बैठे हुए, यानी इस बात को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बल दे ही रहे हैं। अब इस कुंडली में देखता हूं, जीवनी समझने की कोशिश करता हूं उनकी, तो शनि उनका 7th भाव में है, भागेश भी है और अष्टमेश भी है। 7th भाव हमारे लाइफ पार्टनर का भी होता है, शायद उन्होंने शादी नहीं की, शादी से कोई कनेक्शन उनकी जिंदगी में बना नहीं, 8वें घर का लॉर्ड 7th भाव में है, और ऐसा क्या है इस कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है मैरिड लाइफ के लिए, वो सप्तमेश का 12वें घर में जाना, तो यहाँ 7th भाव का स्वामी जुपिटर वो 12वें घर में है। अगर ये कहीं कॉम्बिनेशन बनते हैं तो शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी रहती है, जैसा हुआ भी उनके साथ। इवन भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी लेडीज चार्ट में मंगल केतु का एकदम कनेक्शन पंचम भाव में, पर्टिकुलरली पंचम भाव प्रेम का है, तो यहाँ पे मंगल केतु का कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेम की जिंदगी या शादीशुदा जिंदगी में एक डेंट जरूर देता है। तो मैं बहुत अच्छी जन्मपत्री है, आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा तो बहुत अच्छी जन्मपत्री है। इस जन्मपत्री को 100 में से 100 नंबर देता हूं। जुपिटर की दृष्टि मरकरी सन पे जो 4th भाव में बैठे हुए हैं पूरी, शनि भी 7th में बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से मरकरी सन को पूरी ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है,
जो भी प्लैनेट शनि और जुपिटर दोनों से दृष्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं आपके कैरियर में। शनि और जुपिटर की दोनों की दृष्टि ना केवल गोचर में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इवन नेटल चार्ट में भी है। दोनों प्लैनेट किसी भाव को देख लें एक साथ, उस भाव की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उस भाव के साथ साथ उस प्लैनेट की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यहां मरकरी लगन का लॉर्ड है, उसको जुपिटर और शनि यानी कर्म के कारक शनि और जुपिटर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत बेहतरीन जन्मपत्री है इनकी। अब बात करता हूं नेहा कक्कड़ जी की। दोस्तों नेहा कक्कड़ जी की जन्मपत्री पे आने से पहले मैं एक छोटी सी इनकी न्यूमरोलॉजिकल बात बताता हूं आपको। 6 जून 1988 का बर्थ है, यानी मूलांग इनका 6 है, भाग्यांग इनका 2 है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। लता मंगेशकर जी की कुंडली कुछ और न्यूमरोलॉजी में इशारा कर रही थी, यानी रंग से राजा। यहां सीधा सीधा कॉम्बिनेशन आपका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से है। ना केवल अच्छी सिंगर है, सिंगिंग ये कॉम्बिनेशन ना केवल अच्छा सिंगर बनाता है, उनकी आप प्रेजेंटेशन देखो, गानों की डांस देखो, क्या मस्ती है। तो पूरी एंटरटेनमेंट, पूरी की पूरी एक एंटरटेनमेंट का चरित्र उनके अंदर है। अब मैंने बताया था सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मरकरी और वीनस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहां इस जन्म पत्री को शुरू करने से पहले ही बता दूं, इनके टॉरस लगन है, लगन का लॉर्ड ही सेकंड हाउस में बैठ गया। और उससे बड़ी बात क्या है, ना केवल वीनस बैठा है बल्कि सेकंड लॉर्ड मरकरी होके खुद ही उसी घर में बैठा हुआ है। क्या जबरदस्त कनेक्शन बैठा हुआ है। अब थर्ड थर्ड बहुत बढ़िया कनेक्शन है गायकी के लिए। इस कनेक्शन में एक स्टेप और आगे जा रहा हूं मैं। आप 10th लॉर्ड 8वें घर में शनि बैठ के वीनस मरकरी को देख रहा है, यानी प्रोफेशन से भी पूर्णता लिंक आ गया है इस जन्मपत्री में। अब शनि की पोजीशन देखो 10th लॉर्ड की कितनी अच्छी पोजीशन है। अब शनि को 12th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर भी देख रहा है, जो कि इस कुंडली का लाभेश है। ना केवल मैंने लता मंगेशकर जी की कुंडली में फाइनेंशियली बहुत अच्छा योग देखा, क्योंकि उसका मंगल 5th हाउस में था, 5th लॉर्ड 3rd हाउस में था, कम्युनिकेशन हाउस ऑफ एफर्ट्स में था, और 9th लॉर्ड 7th हाउस में था। यहां पे भी देखो तो बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। लगन का लॉर्ड 2nd हाउस धनस्थान में है मरकरी के साथ, यानी 2nd लॉर्ड के साथ, जो कि पंचम भाव का स्वामी भी है। शनि जो कि 9th लॉर्ड बनता है 8th हाउस में जरूर चला गया, पर वीनस मरकरी यानी धनेश और लाभेश के साथ बैठ गया, कनेक्शन बना के बैठ गया, क्योंकि 12th हाउस से लाभेश देख रहा है और पंचमेश 2nd हाउस में बैठ के मरकरी के साथ देख रहा है। लग्ना लॉर्ड का भी 9th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। ये एक तरह का अपना प्रबल राजयोग है। और ये देखो बड़ी चुलबुली गाने गाती है और बहुत मस्त डांस करती हैं, तो उनकी जन्मपत्री में भी ये चीज झलकनी चाहिए। तो देखो लगन का लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा हुआ है, मरकरी ह्यूमर हास्य और हास्य मजाक को भी बताता है। तो मरकरी और वीनस का बहुत बढ़िया कनेक्शन है और शनि के साथ उनका संबंध एक बहुत बड़ा राजयोग है। पंचम और नवम का एक कोई भी संबंध बनना है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी पैसा कमाता है, क्योंकि पंचम और नवम भाव ना केवल धन स्थान है, आपका शिक्षा स्थान भी है, तो बुद्धि का भी रोल होता है। तो मैं इनको इनके अंदर अटूट बुद्धि देखता हूं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और कहीं ना कहीं इनका बुद्धि का रोल इनके कैरियर पे हमेशा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।